नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की सुपर फास्ट खबरों की ओर। चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस के चलते रविवार को 56 और लोगों की हुई मौत। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है 350 तक। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है। शाहीन बाग में धरने और फायरिंग के बीच पीएम मोदी आज पहली चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी आज 2 बजे दिल्ली के कड़कड़ डूमा के सीबीडी ग्राउंड में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं उन्हें फांसी दी जा सकती है। फायरिंग की 3 वारदात के बाद जामिया में हलचल का माहौल। छात्र खुद ही चेक कर रहे हैं कार। छात्रों ने खुद ही वहां पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। सैफ अली खान की फिल्म जवानी जानेमन फिल्म ने वीकेंड पर मचा धमाल। फिल्म को समीक्षकों से मिला अच्छा रिस्पांस। 3 दिनों में 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा कर लिया है पार। भारत ने न्यूजीलैंड में रचा इतिहास। भारत ने ओवल स्टेडियम में खेले गए 5वें T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 रन से दी मात। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप की हासिल। शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबर कर बढ़त में आ गया है। सेंसेक्स में 45 और निफ्टी में 25 पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है। कोरोना वायरस के कहर के बीच वुहान से भारतीयों को स्वदेश लाने का काम हुआ पूरा। रविवार को भारतीय विमान से चीन से 323 भारतीय लाए गए। 2 चरणों में भारत लाए गए करीब 650 हिंदुस्तानी नागरिक। मालदीव के भी 7 नागरिकों को रविवार को भारत लाया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आज परवेश वर्मा करेंगे चर्चा की शुरुआत। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्रस्ताव पर बोलेंगे। मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने मोदी सरकार की उपलब्धियां को गिनाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव कस्बे के अस्पताल से भागा चीन से लौटा छात्र। कोरोना वायरस होने का संदेह। संदिग्ध मरीज के अस्पताल से भागने के बाद हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर RS त्रिपाठी ने कहा है कि छात्र में कोरोना वायरस जैसे स्पष्ट लक्षण नहीं है, फिर भी शासन के निर्देशों के आधार पर उसे निगरानी में रखा गया था। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।